मुजफ्फरपुर के डांस कलाकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाल कलाकारों ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। नमस्कार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। आज की कहानी बेहद खास है। दरअसल आज की कहानी में हमारे साथ तीन बच्चे मौजूद हैं जो डांस की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। तहलका मचाना इसे हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी इन तीनों बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डांस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। जानते हैं इनसे कि डांस का इंटरेस्ट इनका कब से शुरू हुआ, कैसी प्रतियोगिता थी और आगे ये क्या करना चाहते हैं। अवनि सिंह, कितने साल की उम्र से आप डांस कर रहे हैं? सिक्स ईयर्स। अभी हाल में क्या अचीवमेंट रहा आपका? मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मुझे प्राइड ऑफ बिहार भी मिला है। कैसा लगता है जब आप डांस करती हैं या फिर डांस सीखती हैं? तो बहुत अच्छा। आगे क्या करना चाहती हैं? मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। कैसा प्रोग्राम था? उस प्रोग्राम में आपने किस सॉन्ग पर परफॉर्म करा और आपकी परफॉर्मेंस की क्या खास बात थी जो आपको गोल्ड मेडल मिला? मुझे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट बनी और मुझे बोला गया कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो। कौन से सॉन्ग पे परफॉर्म करा था आपने? इंटरनेशनल में लैला में लैला। लैला में लैला पे परफॉर्म करा था आपने। मम्मी पापा कितना कोऑपरेट करते हैं आपको डांस में? घर पे आप प्रैक्टिस करती हैं? यस। मम्मी पापा का क्या नाम है? मम्मा का नाम है रिमझिम कुमारी एंड माई फादर्स नेम इज रमेश कुमार। जी, मेरा नाम प्रांशु है। कब से डांस सीख रहे हैं और आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, आपका क्या अचीवमेंट रहा है हाल में? मैं करीबन 1-2.5 ईयर से डांस सीख रही हूँ जेनिट डांस फ्लिक में योन सर से, और मैंने स्टेट नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और हाल ही फिलहाल में मुझे प्राइड ऑफ बिहार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है जो हमें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ने दिया था। क्या कार्यक्रम था जिसमें आपको गोल्ड मेडल मिला? इंटरनेशनल डांस स्पोर्ट चैम्पियनशिप हुआ था जो कि इंडो नेपाल में हुआ था, और उसमें मुझे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मिला। नेपाल की कौन सी जगह पे आपने परफॉर्म किया और वहाँ से आपने इंटरनेशनल जीता? जी, मैंने काठमांडू में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लिया था। डांस के क्षेत्र में आगे क्या करना चाहती हैं? जी, मैं बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। मैं मतलब ऐसी डांसर बनना चाहती हूँ जैसे कि मेरा नाम मतलब कि डांस के फील्ड में मुझे जाना जाए। प्रांशु कौन है तो बहुत अच्छा डांस करती है, ऐसा वाला मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी डांसर बनूँ, बहुत अच्छा करूँ इस फील्ड में। मॉम डैड का क्या नाम है आपके? जी, मेरी मम्मी का नाम प्रतिभा ठाकुर है और स्पेशली मेरी नानी मुझे बचपन से ही डांस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरी जब नानी छोटी थी उस समय उसे भी डांस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मेरी नानी चाहती है कि मैं इस फील्ड में बहुत बड़ी डांसर बनूँ, और मेरी नानी का सपना है कि मैं एक ऐसे स्टेज पर जाऊँ, बड़े बड़े स्टेजेस पर जाऊं और परफॉर्मेंस करूं। मेरा नाम आर्श है। आप कब से डांस कर रहे हैं? मैं 4-4 साल से डांस कर रहा हूं। क्या अचीवमेंट रही आपकी हाल में? मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बना। कौन सा कंपटीशन था जिसमें आपने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता? इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मैं बना हूं इंटरनेशनल डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप। कौन सा फॉर्म डांस का आप करते हैं? मैं कंटेम्प स्टाइल करता हूँ। कैसा परफॉर्मेंस रहा नेपाल में जब आप परफॉर्म करने गए? तो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और इतनी कम उम्र में आप प्राइड ऑफ बिहार हैं, ये खिताब पाने के बाद कितनी खुशी मिली और कैसा आपका फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आगे चल के डांस को कंटिन्यू रखते हुए क्या करना चाहते हैं? अब मैं बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ। मम्मी पापा का क्या नाम है आपके? मम्मी का नाम है शारिका और पापा का नाम है राजीव कुमार। पापा मम्मी डांस में कैसे कोऑपरेट करते हैं आपको? बहुत अच्छे से। वो भी आपके साथ डांस करते हैं? मैं भी बहुत अच्छा करता हूं।